वेलकम बैक टू माय नीनूस किचन। आज हम बनाएंगे मैंगो कुल्फ़ी और इसके लिए मैंने ये एक मैंगो लिया है। इसको हम इस तरह से ऊपर से इसकी ये ऐसे करके उतार लेंगे और अंदर से इसकी हम पुटली निकालेंगे। इस तरह से ये ध्यान रखना है कि हमारा नाइफ पूरा छिलके में ना जाए। इसके लिए हम फॉर्क की भी हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि नाइफ अगर हम करेंगे तो वो छिलके में चला जाएगा और वो फट जाएगा। बस खाली हमें गुठली निकालनी है अंदर की। इसको हम फॉर्क की हेल्प से ही निकालेंगे, नाइफ से आप बस सिर्फ होल करना और इसको फॉर्क से ही निकालना चारों तरफ से। इस तरह से देखिए ये गुठली पूरी निकल गई है। अब मैं इसके अंदर इधर मैंने ये दूध की रबड़ी बनाकर रखी हुई है वो डालूंगी मैं। ये मैं इसके अंदर फिल करूंगी, ऊपर तक भर देंगे हम इसको। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अब हम इस पे कैप लगा देंगे, ये जो इसकी कैप थी। इसको बिल्कुल फिट, जो भी गिलास या कप आपके पास जो भी हो, इस तरह से बिल्कुल फिट रखना है इसको। और अब हम इसको फ्रीजर में रखेंगे। अब इसको मैं फ्रीजर में रखूंगी 8 घंटे के लिए, ये जम जाए अच्छी तरह से और फिर मैं आगे आपसे मिलती हूँ। जैसे कि मैंने दिखाया था आपको, मैंने मैंगो कुल्फी बनाने के लिए फ्रिज में ये मैंगो रखा था। अभी मैंने जस्ट 5 मिनट्स पहले इसको निकाला है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसको कट करेंगे। अब हम इसको पहले इसका ऊपर से छिलका उतारेंगे और मैंने जो इसके अंदर रबड़ी बनाकर दूध को गाढ़ा करके जो भरा था उसमें मैंने शुगर भी ऐड करी थी थोड़ी सी। अगर आप शुगर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो वैसे ही मीठा होता है मैंगो। इस तरह से पूरा छिलका इसका निकाल लेंगे हम। मैंगो कुल्फी तैयार है और इसको मैंने गार्निश किया है ड्राई फ्रूट से। आप इसको सर्व कीजिए एज ए डेजर्ट और बहुत ही यम्मी है ये। इसको ट्राई कीजिए आप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और फिर मिलती हूँ मैं एक नई डिश के साथ में। जब तक के लिए बाय।